अस्सलाम वालेकुम जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स लर्निंग विद इजाज हुसैन। बच्चे आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 3.3 में देखें, क्वेश्चन करने से पहले यहाँ एक दो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास कुछ ला हैं, लोगार्थम ला, तो इनकी स्टेटमेंट्स ज़रा देख लें। पहला हमारे पास है कि जैसे लॉग हमारे पास एम एन बेस ए इज इक्वल टू, इसकी स्टेटमेंट ये है कि ये हमारे पास लॉग एम एन ओवर बेस ए है जब, तो हम इसको लिखते होते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन और बेस ए। मतलब यहाँ एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम रहेगी लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दरमियान में प्लस, और जब आपके पास स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो लॉग एम ओवर एन और बेस ए इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा दरमियान में यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो फिर हमारे पास लॉग एम बेस ए और माइनस क्या आ जाएगा लॉग एन बेस ए। थर्ड हमारे पास यहाँ पे है कि अगर आपके पास ऐसा हो लॉग एम और इसकी पावर हो एन, पावर क्या हो एन बेस ए, तो याद रखें थर्ड लॉ में हमें हमारे पास क्या होता है पावर शुरू में आ जाती है, बाकी एज इट रहेगा एम और बेस ए। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें हैं, अगर आपको ये आती हैं तो फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन में क्या होगा मसला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप देखिए हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे अच्छा एक फोर्थ लॉ भी है उसको भी ज़रा देख लें। उसमें क्या है हमारे पास, याद रखें अगर आपके पास ऐसा हो लॉग एन और बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा लॉग एन, इसकी बेस बी रखें एक डिफरेंट नंबर लेके आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग बी और हमने कौन सा इग्नोर किया था ए, तो ये इसकी है स्टेटमेंट। देखें अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, मैं इसको ज़रा रफली आपको बता देता हूँ, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं लॉग एन और नीचे लिखें लॉग बी मल्टीप्लाई लॉग बी ओवर लॉग ए, तो देखें ये इससे कैंसिल होता है और हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे लॉग एन ओवर लॉग ए, तो आप इसको सिंगल लॉग में जब लिखेंगे लॉग एन बेस क्या हो जाएगा ए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों देखें सेम है आपके पास। तो ये तीन चार स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, अगर ये क्लियर हैं तो फिर हम क्या करेंगे एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है स्टूडेंट्स 3.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस, जो हमें दिया गया है हमने क्या करना है उसको सम आर डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट में हमें यहाँ पे कहा गया कि अगर आपके पास लॉग और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, अब देखें ये सिंगल लोगार्थम में है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको लॉग ए मल्टीप्लीकेशन के लिए दरमियान में प्लस, दोनों को अलहदा अलहदा लॉग के साथ लिखते हैं लॉग बी। जैसा कि आपके पास सेकेंड में देखें, सेकेंड में हमारे पास जैसे दिया गया है लॉग हमारे पास स्टूडेंट्स है 15.2 ओवर हमारे पास 30.5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे लॉग 15.2, जब डिवाइड हो रहा होता है तो दरमियान में क्या लगाते हैं माइनस और लॉग हमारे पास हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। देखें स्टूडेंट ये दो हो गए, अब हम चलते हैं थर्ड पे, तो थर्ड में देखें हमारे पास क्या होगा, थर्ड में हमारे पास यहाँ पे है लॉग हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 8, तो देखें यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो देखें हमने क्या करना होगा इसको लिखेंगे लॉग हमारे पास ये 21 मल्टीप्लाई 5 है तो लॉग 21 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा लॉग 5, ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा लॉग हमारे पास 8। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन था। उसके बाद देखें हम फोर पार्ट पर चलते हैं, फोर में हमारे पास क्या है, फोर में हमारे पास दिया गया है लॉग हमारे पास 7/15 और यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स इसका दिया हुआ है चलें क्यूब रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, जब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब ये भी होता है कि पावर हम इसको लिखें लॉग 7/15 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, क्यूब रूट अगर स्क्वायर रूट हो तो पावर 1/2, क्यूब रूट है तो पावर 1/3। थर्ड लॉ में हमने बताया था अगर कोई पावर आ जाए तो पावर स्टूडेंट्स कहाँ आ जाती है शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पावर कहाँ आ जाएगी शुरू में और यहाँ होगा लॉग हमारे पास 7/15। अब देखें ये दोनों के शुरू में है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं 1/3 और यहाँ हम क्या लिखेंगे लॉग 7 डिवाइड हो रहे हैं तो दरमियान में माइनस लगाएंगे और हमारे पास लॉग क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हमारे पास
फोर पार्ट है और हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में ज़रा देखें तवज्जो से हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लॉग हमारे पास दिया हुआ है 22 और पावर यहाँ पे 1/2 है, ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स 5 की पावर क्या दी हुई है 3। अब देखें उसकी पावर डिफरेंट है, इसकी पावर डिफरेंट है, यहाँ होल की पावर थी इसलिए हम इसको पहले शुरू में ले आए थे, लेकिन अब यहाँ दोनों की पावर डिफरेंट हैं तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग 22 और यहाँ पर पावर 1/2 डिवाइड हो रहा है, तो माइनस लॉग हमारे पास 5 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, पावर को ले आएंगे शुरू में 1/2 और लॉग हमारे पास 22, माइनस 3 को ले आएंगे शुरू में और लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसका सिक्स पार्ट आप खुद करेंगे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमें कहा गया एक्सप्रेस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। पहले हमें सिंगल लॉगरिथम में दिया गया था पहला क्वेश्चन, उसको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है और हम इसको क्या करेंगे सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे। ज़रा तवज्जो से देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लॉग हमारे पास एक्स माइनस 2 लॉग हमारे पास यहाँ पे एक्स है प्लस हमारे पास 3 और लॉग हमारे पास एक्स प्लस 1 है और साथ हमारे पास माइनस लॉग स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर और क्या है साथ माइनस 1। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये लॉग एक्स हम लिखते हैं फिलहाल एज इट माइनस, ये 2 है शुरू में लॉग के स्टार्ट में है तो इट्स मीन ये उसकी पावर थी तो स्टार्ट में आया। हम अब वापस जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, इनवर्स जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो हमारे पास लॉग यहाँ एक्स की पावर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद प्लस अब ये 3 शुरू में है तो हम क्या करेंगे लॉग एक्स की पावर 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, माइनस ये एज इट आएगा लॉग हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस 1। स्टूडेंट्स देखें अब ये हमारे पास बन गया जो पावर शुरू में थी, हमने उसको पावर के फॉर्म में लिख दिया जो स्टार्ट में थे नंबर्स, अब हमारे पास इसको लिखेंगे सिंगल लॉगरिथम में। जब सिंगल में लॉग में इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे, याद रखें जब पॉजिटिव साइन होता है तो वहाँ ऊपर होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, जिनके शुरू में माइनस हो साइन नेगेटिव हो तो वो कहाँ होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में होते हैं। अब प्लस लॉग एक्स तो इट्स मीन एक्स यहाँ पे होगा, लॉग तो ऑलरेडी आ चुका है, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर लॉग तो आ चुका है, अगर माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस हमारे पास लॉग एक्स प्लस 1 का क्यूब है तो यहाँ एक्स प्लस 1 और ये इसका क्या आ जाएगा क्यूब, माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग तो ऑलरेडी आ गया, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, दरमियान में कोई साइन नहीं है, अगर साइन यूज़ भी करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई का कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लॉग और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लोग एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखें, फिर इसको लिखें एक्स माइनस 1 और फिर लिखें एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स एक्स से ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी और एक्स प्लस 1 से भी ये पावर यहाँ कैंसिल होगी 2 बचेगा। तो आप देखें हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास लॉग और एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पावर 3 थी यहाँ पावर 1 थी, एक से एक कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगी पावर 2 बच जाएगी ओवर, यहाँ एक्स की पावर 1 से एक एक्स की पावर 1 कैंसिल, एक एक्स की पावर बचेगी एक्स की पावर 1 और यहाँ हमारे पास साथ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, हमारे पास दिया गया है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम, हमें सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिया जाएगा और हम उसको क्या करेंगे सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है लॉग हमारे पास है 21 और प्लस है दरमियान में लॉग हमारे पास क्या है 5। देखें सम की फॉर्म में है तो हम इसको सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो जब दरमियान में साइन प्लस का हो ऐड का हो एडिशन का तो इट्स मीन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ये सिंगल लॉगरिथम में लिखा गया। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे देखें लॉग हमारे पास ये सेकंड पार्ट करने लगे हैं, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है जी हमें दिया गया लॉग 25 और फिर माइनस
टू लॉग हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है, तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं लॉग 25 और माइनस ये जो पावर शुरू में है ना, ये शुरू में जो नंबर है स्टार्ट में ये इसकी पावर बनेगा लॉग 3 की पावर 2। आप देखें हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग में जब लिखेंगे दरमियान में साइन माइनस क्या है, तो 25 ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें हमारे पास जैसे थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें दिया गया यहाँ पे 2 लॉग एक्स माइनस 3 और लॉग क्या है हमारे पास वाई है। तो आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास स्टार्ट वाला नंबर उसकी पावर होता है, लॉग हमारे पास एक्स की पावर 2 माइनस 3 स्टार्ट में है, पावर बन जाएगा लॉग वाई की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, अब डिफरेंस की फॉर्म में हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे, तो लॉग हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस है, तो ये हमारे पास वाई की 3 आ जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पे देखें दिया गया है 4 पार्ट, 4 को हम करते हैं लॉग हमारे पास है 5 पॉजिटिव, लॉग हमारे पास क्या है 6 और माइनस हमारे पास लॉग क्या है स्टूडेंट्स 2 दिया हुआ है। अब देखें हम क्या करेंगे, जब इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग और उसके बाद 5 यहाँ प्लस है, इट्स मीन्स मल्टीप्लाई 6, ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट ये अपना 3 क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में करवा दिए इस वीडियो में, इंशाल्लाह बाकी 2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।